हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। और इससे पहले भी मैं वो वीडियो बना चुका हूँ उस इलाज पर, लेकिन मेरे कबूतर को नहीं हुआ था, तो आप लोगों को बस एक छोटा सा नॉलेज दिए थे कि किस तरह से एक कबूतर को सही किया जाता है। तो गाइस, वो वीडियो तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस, वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो ये हुआ है कि सांस का बीमारी हमारे कबूतर को हो चुका है, और वो भी सिंगल कबूतर को नहीं, उड़ने वाला कबूतर को नहीं, एक ब्रीडिंग पेयर का में से एक फीमेल पिजन का हो चुका है। और वो फीमेल पिजन अभी इस साइड नहीं, आप देख सकते हमारे सारे कबूतर मजा से धूप सेक रहे हैं, और आज धूप भी बहुत ही अच्छा उठा है। और कल बहुत ही जोर से गाइस बारिश हुआ था, कल परसों बहुत ही जोरदार बारिश हुआ था अपने कबूतर, इसलिए आज कुछ अच्छा तरह से देख सकते हैं सारे के सारे धूप सेक रहे हैं। और गाइस, वो कबूतर तो जिस कबूतर को ये बीमारी हो गया है, तो गाइस वो कबूतर एक ऐसा काम भी कर दिया है कि कुछ कहने का नहीं, क्यों गाइस वो बीमारी हालत में भी वो अंडा दे दिया। तो गाइस हमको लग नहीं रहा था कि वो फीमेल तो अंडे ले करेगी कि नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था सांस का बीमारी, उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा फूल रहा था, पहले तो कम फूल रहा था, अब बहुत ज़्यादा ही फूल रहा है। तो गाइस हम क्यों ना सोचे कि इस इलाज करते के साथ आप लोगों को वीडियो भी दिखा देते हैं, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि कबूतर को कैसे ठीक किया जाए। तो बस चलिए आपको दिखाता हूँ कबूतर, और वो कबूतर जो अंडा दिया वो भी दिखाते हैं। तो चलिए अपने पिजन लॉफ्ट, और ये देखिएगा ये वो फीमेल है, आप देख सकते हैं अपना मुंह खोल के देखिए किस तरह से अंदर ढुकी है। तो बस यही वो फीमेल है, तो चलिए इसका लॉफ्ट में ढुकते हैं, और इसका पेटी के अंदर आपको दिखाते हैं जो अंडा दी है, ये देखिए ढुक गई है अंदर में। तो गाइस आप देख सकते हैं ये फीमेल किस तरह से अपनी मुंह फाड़ रही है, और देखिए उसका ठीक उसका नीचे अंडा भी पड़ा हुआ है। तो वैसे फीमेल ने इस बुरी हालत में अंडे भी दे दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस फीमेल को बाहर निकालते हैं और इसका इलाज करते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से अपना मुंह फाड़ रही है, देखिए। तो देखिए गाइस, अभी वो फीमेल को मैं अपने अभी हाथ में पकड़ लिया, और इसका बहुत ही बुरा हाल है, आप देख सकते हैं इसका फाल, देखिए गाइस पूरा किस तरह से अपना मुंह फाड़ रहा है। और इसका पीछे साइड देखिए, इसने जो अंडे दिए उसका ही ये है, तो गाइस इसका पीछे साइड कुछ हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा मुंह फाड़ रही है किस तरह से, और इसका बैक साइड भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, कबूतर बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया। तो गाइस इसका इलाज है हमारे पास। तो गाइस आपको पिछले वीडियो में आपको इलाज बताए थे, लेकिन इस बार वो इलाज तो हम करके देखेंगे अपने कबूतर पर। तो देखिए गाइस, हमारे पास ये एक बेटनिसोल मेडिसिन है, ये मेडिसिन बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है गाइस, बहुत ही कम दाम है इसका, और आप लोग इसको बहुत आसानी से बाय कर सकते हैं, ये ह्यूमन मेडिकल स्टोर में भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और गाइस ये जो मेरे को ये पड़ा है, इसमें 10 पत्ता है, 10 टेबलेट, और ये मेरे को 8 रुपया करके पड़ा है। तो गाइस आप लोग भी इसको लेकर, आप इसको एक छोटा सा टेबलेट इसको रोज सुबह और शाम में खिलाइए, तो आपको कबूतर सही हो जाएंगे। तो गाइस अभी आपके सामने टेबलेट, तो मैं इसको भी खिलाऊंगा और इसका रिकवरी भी दूंगा। और गाइस आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देखा करिए, शॉर्ट वीडियो में इसका अपलोड जरूर मैं करूंगा कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। तो गाइस चलिए अभी आपको इसको मेडिसिन खिलाकर दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, मैं भी वो दवा तो अपने हाथ में ले चुका हूँ, और आप देख सकते हो बहुत ही छोटा दवाई है, आप देख सकते हो इतनी सी दवाई है, इसी को आपको इस कबूतर को अच्छा से खिलाना। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से खिलाते हैं। तो सबसे पहले इसका मुंह ऐसे फाड़ लीजिए, और ये दवाई को इसका अंदर ऐसे गिरा दीजिए, आस्ते से बस गिरा दीजिए, अब बस गला हल्का सा साट दीजिएगा इसको, और इसी तरह से आपको 2 टाइम करना है। अभी हम अपने कबूतर को ही खिला चुका हूँ, और अभी इंतजार करते हैं कि ये कबूतर 2 से 3 दिन में कबूतर सही हो जाता है, इसका रिकवरी 2 से 3 दिन में हो जाता है। तो गाइस ये कबूतर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और इसको सांस का बीमारी भी बहुत ही, मैंने किस तरह से लगेगा इसमें कुछ पता आता नहीं, क्योंकि हमारे कबूतर को बीमारी लगता नहीं, लेकिन ये बीमारी कब से लग गई हमको पता नहीं, और इसीलिए मैं इसको इलाज किया, तो आप लोग देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। तो गाइस अभी आप देखें कि हम अपने कबूतर को किस तरह से इलाज किए, और कैसे कैसे सांस का प्रॉब्लम हमारे कबूतर को लग गया, हमको कुछ आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से इसको लग गया है। तो गाइस हम अपने कबूतर का इलाज तो कर दिए, और आप लोग अब दुआ करिए कि कबूतर काश बच जाए, क्योंकि गाइस हमारे इस ब्रीडिंग सेटअप पे बहुत ही खास कबूतर है वो, और वो कबूतर का पेयर जब हम लाते, जब हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे गाइस, तभी का वो कबूतर है, और वो पेयर तो गाइस उस पेयर का हमारे पास खाली अभी एक ही पेयर उठा हुआ है बच्चा, क्योंकि सेकेंड पेयर मर गया था, और उसका एक बच्चा जब निकला तो भी गाइस मर गया। तो गाइस अभी तक कबूतर का भी हमारे पास एक ही पेयर बच्चा उठा है, तो गाइस अभी बहुत सारे बच्चे उठाने बाकी हैं। तो गाइस तो भी वो कबूतर ने इतने खराब हालत में भी अंडे ले किए हैं, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस फीमेल के ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा ये हो गया कि इस हालत में भी कबूतर अंडे दे दिए, और गाइस बहुत एक तरह से दुखी भी लग रहा है कि कमजोरी हालत में भी कबूतर अंडा दे दिया। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और भी गाइस अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहेंगे। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को जो सपोर्ट दिखाइए,
गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।